पद रत्नाकर का पाठ पद संख्या 444 राधेश्याम जी पद संख्या 444 बरजी मैं काहू की न रहूं बरजी मैं काहू की न रहूं बरजी मैं काहू की न रहूं बरजी मैं काहू की जाते सुखी होए जीवन धन जाते सुखी होए जीवन धन सोई पंथ गहूँ आ जाते सुखी तेरी इच्छा है आप आगे आ जाओ सोई पंथ गहूँ बरजी मैं काहू की न रहूं बरजी मैं काहू की न रहूं कीरति जस सब नसे अबही मैं घोर कलंक लहूं कीरति जस सब नसे अबही कीरति जस सब नसे अबही मैं घोर कलंक लहूँ हाँ कीरति जस सब नसे अबही सगरो मान जाए मन प्रमुदित सगरो मान जाए मन प्रमुदित सगरो मान जाए मन प्रमुदित मैं अपमान सहूँ आ सगरो मान जाए बरजी मैं काहू की न रहूं बरजी मैं काहू की न रहूं मन की बात मन ही मैं राखूं काहू ते न कहूं हाँ मन की बात मन ही मैं राखूं काहू ते न कहूँ प्रियतम प्यारे ते मैं कबहूँ 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 निज सुख नाय चहूँ आ प्रियतम प्यारे ते मैं कबहूँ निज सुख नाय चहूँ बरजी मैं काहू की न रहूँ बरजी मैं काहूँ कैसी हो स्थिति होए न मन में जगह छोग कबहूँ आहा कैसी हो स्थिति होए न मन में जगह छोग कबहूँ आहा कैसी हो स्थिति होए न मन में जगह छोग कबहूँ कैसी हो स्थिति होए न मन में
जगे छोबत कबहू एक मात्र प्यारे के बल में, एक मात्र प्यारे के बल में निबही बहुरी निबहू आ, एक मात्र प्यारे के बल में निबही बहुरी निबहू वरजी में काहू की न रहूं, वरजी में काहू की न रहूं, वरजी में काहू की न रहूं, वरजी में काहू न रहूं। जाते सुखी होए जीवन धन, जाते सुखी आ, जाते सुखी होए जीवन धन सोई पंथ गहूँ वरजी में काहू की न रहूँ, वरजी में काहू की न रहूँ, वरजी डाली श्याम ने कहा ठगोरी डाली, कहा ठगोरी डाली श्याम ने कहा ठगोरी डाली, बिसरे धर्म करम कुल परिजन, बिसरे धर्म करम कुल लोक लाज गई सारी आसरे धर्म करम कुल परिजन लोक लाज गई सारी, कहा ठगोरी डारी श्याम ने कहा ठगोरी डारी, गरीब मैं जमुना तट पर, 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 जल भरी बेले मट की सखीरी, जल भरी बेले मट की सखीरी, देखत श्याम कमल दल लोचन, देखत श्याम कमल दल लोचन, देखत श्याम देखत श्याम कमल दल लोचन, दृष्टि तुरत ही अटकी सखीरी, दृष्टि तुरत ही अटकी सखीरी, मुस्काए मन से जल, मोतन मोरी मुस्काए मन से जल, मोतन मोरी मुस्काए मन से जल, मोहन नंद किशोर सखी, मोहन नंद किशोर सखी,
छिन चोर लियो मन पर बस परम चतुर चित चोर सखीरी देह गेह की सुध न रही कछु खान न पान सुहाए सखी खान न पान सुहाय सखी एक मधुर छवि रस श्याम की एक मधुर छवि रसिक श्याम की रही हृदय में छाए सखीरी रही हृदय में छाए सखीरी श्याम ने कहा ठगोरी भाई जी महाराज की जय पूज्य श्री राधा बाबा की जय पूज्या मैया की जय अपने प्यारे भैया की जय पूज्य दादा की जय भक्तवत्सल भगवान की जय हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले पूज्य भाई जी के कुछ विचार, उसके बाद अपने पूज्य विनीत भैया से कुछ सुनेंगे। पुस्तक का नाम है भगवन नाम चिंतन। पूज्य भाई जी कहते हैं, वे लोग बड़े भाग्यशाली हैं जिनको बहुत कम बोलना पड़ता है। भाई जी कहते हैं, वे लोग बहुत भाग्यशाली हैं जिनको बहुत कम बोलना पड़ता है और जो निरंतर भगवान का नाम लेते हैं। प्रातःकाल उठने से रात्रि में सोने तक जीभ से निरंतर भगवान का नाम आता रहे, इसकी पूरी चेष्टा करनी चाहिए। इससे अपने आप बोलना कम हो जाएगा और पर चर्चा को अवकाश ही नहीं मिलेगा। भगवान का नाम न भूले, भूल जाए तो इसके लिए खेद हो। भगवान नाम जप करते समय उसे सुनते भी रहें, इससे मन को उसमें लगना पड़ेगा। बिना मन को उसमें लगाए नाम सुन न सकेंगे और मन में यह विश्वास होना चाहिए कि नाम भगवान ही है। पूज्य प्राची दीदी कहती थी, वो कौन सा एक नाम है जिससे भगवान तत्काल प्रकट होते हैं सामने। जब हम श्री कृष्ण नाम को साक्षात श्री कृष्ण मान लेते हैं और इस भाव से एक नाम भी लेते हैं तो प्रत्यक्ष श्री कृष्ण आ जाते हैं, हमारे नेत्रों के सामने दृष्टिगोचर हो जाते हैं और कान पकड़कर क्षमा मांगते हैं। क्या क्षमा मांगते हैं, क्या कहते हैं प्राची, कृष्ण द्वय को पकड़ करके, वो कर्ण द्वय को पकड़ करके फिर क्षमा मांगते हैं कि मुझे क्षमा करना भक्तराज,
मुझे देर हो गई आने में। कैसा अद्भुत प्रभु का स्वभाव है। मन में यह विश्वास होना चाहिए कि नाम भगवान ही है। भगवान जब हमारी जीभ पर आ गए तो भगवान के सारे दिव्य गुण हमारे अंदर आ गए। भगवान के गुणों को अपने अंदर उतरता देखें। करुणा, दया, प्रेम, अहिंसा, अस्तेय आदि गुण मेरे में आ रहे हैं। नाम मुख में आते ही अपने को माने मैं पवित्र हूँ। नाम नामी एक है, अतः भगवान के नाम जप के समय यह अनुभव करें कि भगवान मेरे हृदय में आ रहे हैं, भगवान की झांकी मेरे हृदय में उतर रही है। एक नाम की शरण हो जाएं, दूसरे किसी साधन की उपेक्षा एवं अपेक्षा न करें। भगवान के नाम पर अपने को निर्भर कर दें। नाम सर्वशक्तिमान है, यह विश्वास करके उसी पर निर्भर हो जाएं, अर्थात अपने को उस पर छोड़कर निश्चिंत हो जाएं। अपना भला कब कैसे होगा इसके लिए इस विषय में निश्चिंत हो जाएं। शरणागत कुछ मांगता नहीं, वह कुछ चाहता नहीं, वह भगवान पर ही निर्भर रहता है सब प्रकार से। अपना भला किसमें है इसका निश्चय भी वह नहीं करता। वह भगवान से कहता है मेरा भला किसमें है तथा कैसे उसे प्राप्त करना है, यह आप जाने नाथ। आपकी शक्ति से ही सब काम होगा और वही काम होगा जो आप चाहेंगे, वही काम होगा जो आप चाहेंगे। वाणी को भगवान के नाम में लगा दें। कम से कम जितनी बात जब जिस रूप में बोलनी आवश्यक हो उतनी ही उस रूप में बोलें। बाकी समय में अपने को मौन सा करके भगवान के नाम का जप करता रहे, जीभ से भगवान का नाम लेता रहे और अपने कानों द्वारा उसे सुनता रहे। यह मानसिक जप है, इसका बड़ा महत्व है सज्जनों। वाणी का संयम करने का एक ही उपाय है, भगवन नाम जप। भगवन नाम जप एवं स्वाध्याय को वाणी का विषय बना लें। भाई जी कहते हैं वाणी का संयम करने का एक ही उपाय है, भगवन नाम जप एवं स्वाध्याय को वाणी का विषय बना लें। जीव के लिए भगवान के नाम का जप ही एकमात्र काम रह जाए, दूसरे किसी भी काम के लिए उसमें से समय निकालना ना पड़े। जो व्यक्ति इस प्रकार का जीवन बना लेता है वह जहाँ रहता है वहाँ ही उसी के द्वारा उसके द्वारा जगत को एक बहुत बड़ी चीज अपने आप अनायास ही मिलती रहती है। जीव स्थूल अंग है, कर्मेंद्रिय है, पर यदि यह भगवान के नाम के साथ लगी रही तो यह जीवन को खींच ले जाएगी और जीवन के अंत में भगवान का नाम आया कि काम बना। भगवान के नाम का जब अभ्यास होने के बाद मन से सोचते और हाथ से काम करते रहने पर भी जीभ से नाम अपने आप निकलता रहेगा। सारे शास्त्रों के सत्संग का फल यही है कि भगवान के नाम में रुचि हो जाए, भगवान के नाम में रुचि हो जाए। मेरी समझ में सबसे सरल साधन है नाम का अभ्यास। भाई जी कहते हैं मेरी समझ में सबसे सरल साधन है नाम का अभ्यास। मुख से निरंतर भगवान के नाम का उच्चारण होता रहे और हाथों से काम, अभ्यास होने पर ऐसा होना खूब संभव है। सकल अंग विमुख नाथ मुख नाम की ओट लई है तुलसी प्रतीति यह कि प्रभु मूर्ति कृपामयी है। विश्वास होगा तो इस नाम उच्चारण मात्र से ही कल्याण हो जाएगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अब पूज्य भैया से सुनते हैं कुछ, उसके बाद फिर नहीं भैया मैं तो रोज ही बोलता हूँ, नहीं आप बोलिए आइए भैया। बड़ा मुश्किल होता है जब कोई संत या भक्त हमारे सामने बैठे हों। नहीं आपकी बात कुछ और है। जब भैया कई बार कहते हैं मुझसे बोलने के लिए मैं कभी नहीं बोलता,
मैंने आज तक मेरी समझ में जब से मैं आऊँ भैया ने कभी मुझसे बोलने को कहा हो, चाहे स्वास्थ्य खराब हो भैया का, पर मैं बोलता नहीं हूँ कभी भी, क्योंकि मेरे को समुद्र हो सामने और फिर एक बूंद कुछ कहे। आज एक भक्त का चरित्र लाया था मैं, गुरु छोना जी, बड़े ही तपस्वी भक्त हुए और नाम पर बड़ा जोर देते थे। अच्छा एक खास बात बताता हूँ, हैं अच्छा कल्याण सिंह जी वाली, अच्छा वो भी कर दूंगा पूरे, पर भैया से सुनना चाहते थे हम कुछ। कल वाला पूरा कर देता हूँ फिर भैया से सुनते हैं। कल मैं बता रहा था कि कल्याण सिंह नाम के एक सज्जन थे और श्री गदाधर भट्ट जी की कथा में गए। वो कथा सुनने से धीरे धीरे जब जीवन परिवर्तित हुआ। काका मैंने सुना है एक संत से आज कि साधन का आदर करने पर साधन आपको पकड़ लेता है, साधन आपको पकड़ लेता है। नाम जब को आप एक बार अभ्यास पूर्वक पकड़िए फिर नाम आपको पकड़ लेगा, फिर नाम छूटने नहीं देगा। आप चाहेंगे भी तो भी भगवान का नाम आपको याद दिलाएगा, इस समय नाम जप का टाइम है, नाम जप कर ले भैया। और साधन का आदर करेंगे तो साधन आपको ऐसा उठा उठा के ले जाएगा भगवान के पास। बाबूजी का तो एक प्रवचन है, साधन ही साध्य है, साधन ही साध्य है। तो साधन का जितना आदर करेंगे, जैसे बाबूजी की स्तुति होती है अपने यहाँ आखिरी में, तो ऐसा लगता है सब्जी मंडी लग गई एकदम पीछे। जैसे ही बाबूजी की स्तुति होती है पीछे सब बातें करने, जैसे इंटरवल हो जाता है ना, ऐसा सा माहौल हो जाता है। तो हम अपने गुरुदेव के वचनों का आदर नहीं कर पाए। ये साधन है भैया, चार पंक्ति जब हम गाते हैं ना, ये चार पंक्ति सुनते ही क्या होता है वो मैं बता नहीं सकता आपको। कि जिन चरणों के नीचे पन पे हुए बड़े हम हुए खड़े, उन चरणों की ही छाया में रज राखी में रहे पड़े। जिन चरणों ने हम दीनों को राधा जू का दासत्व दिया, वे ही शतदल चरण हमारे हृदय पटल पर रहे जड़े, वे ही शतदल चरण हमारे हृदय पटल पर रहे जड़े। तो साधन का जब हम आदर करते हैं ना तो बहुत जल्दी फल प्रदान करता है महाराज। सत्संग का जब हम आदर करते हैं तो बहुत जल्दी फल देता है, आसक्ति हो जाती है भगवान में। एक संत ने कहा सत्संग का फल भगवान में आसक्ति है भैया, भगवान में आसक्ति हो जाएगी। भैया एक लौकिक उदाहरण लेते हैं, जब किसी का विवाह तय होता है तो वो पूरा पूरा दिन बात करते हैं फोन पर, और विवाह से पहले उन लोगों में ऐसी आसक्ति हो जाती है, प्रगाढ़ आसक्ति हो जाती है बात करते करते। पूज्य भैया कई बार कहते हैं यहाँ पर, पूज्य प्राची दीदी ने कहा था केवल उनकी बात से वो मिल जाते हैं, केवल उनकी बात करो उनकी बात से वो मिल जाते हैं। तो हमें प्रियतम श्री कृष्ण की बातें ही तो करनी है, भक्त चर्चा करनी है। तो कल्याण सिंह जी ने भगवान की कथाओं को ध्यान से सुना, और ध्यान से सुना तो जीवन परिवर्तित हुआ। परिवर्तित हुआ माँ आराम से बोल, हरि बोल आराम से भैया, दे दो कोई बात नहीं। चेतन हो जा रे मुसाफिर, गाड़ी आने वाली है बड़े घर
चेतन हो जा रे मुसाफिर। तो भैया क्या हुआ, कल्याण सिंह जी ने ध्यान से सत्संग सुना, सत्संग सुना तो उनका जीवन पर उसका असर हुआ, सारी चीज़ें उनकी बदल गई महाराज। धीरे 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 सारी राजसी चीज़ों को वो छोड़ते चले गए। जब छोड़ते चले गए तो जब साधक भगवान की तरफ बढ़ता है तो प्रसिद्धि सबसे पहला आता है। जब प्रसिद्धि से अगर बच गया साधक तो काम हो गया उसका, समझ लो। चार लोग ये कह दें कि प्रभु जी आप तो बड़े भक्त हो, तो महाराज जी का आसन हवा में से ही नहीं उतरता, और ऐसा लगता है हम ही व्यास पीठ पर बैठते हैं सदा, ऐसा महसूस होने लगता है, गलत सही का पता नहीं लगता भैया, गलत सही का। क्योंकि जब हम बोलते ही बोलते हैं ना, सुनते नहीं हैं, तो बोलते बोलते ऐसा लगता है जो हम बोल रहे हैं वही सही है और कुछ सही है ही नहीं। हम ही सबसे समझदार हैं, इसलिए सुनना अति आवश्यक है। सुनना और बोलना दोनों चीज़, सेठ जी कहा करते सुन, कहना और सुनना भगवान की चर्चा। सुनेंगे नहीं तो फिर काम नहीं होगा, अहंकार नहीं टूटेगा। किसी साधक को भी बोल दो कि आज यहाँ ऐसे नहीं करना, तो थोड़ा सा मुँह मुसस जाता है, मुँह थोड़ा बन जाता है, हमारा भी बन जाता है, ऐसी बात नहीं, हम कोई सिद्ध तो है नहीं। अब भैया कुछ बात बोल दें, डांट दें, अंगद जी आपने ऐसा गलत कह दिया, थोड़े से अंदर से ऐसा दिल पे चोट सी लगती है, भैया ने मुझे क्यों कह दिया ऐसा। फिर उसके बाद समझ में आती है थोड़ी देर बाद, और कौन कहेगा, और कौन कहेगा भैया। एक बाप होना चाहिए सिर पर, एक बाप होना चाहिए। और भक्तों का संग भी करो तो कोई एक ऐसा भक्त चुन लो जिसकी बात हम मान सकें जीवन में, जिनकी बात हमारे ऊपर रहती हो, और वो जो कह दें फिर बात ख़त्म है। फिर अगर ऐसा होगा तो हम आनुगत्य में रहेंगे। आनुगत्य बहुत बड़ी वस्तु होती है महाराज, बड़ा मुश्किल होता है आनुगत्य में रहना। स्वतंत्र कभी साधक नहीं होता, स्वतंत्र कभी साधक नहीं होता, और जो स्वतंत्र है ना महाराज, फिर उसकी वृत्तियाँ स्वतंत्र ही रहती हैं। तो सत्संग हमें कहाँ रहना सिखाता है, आनुगत्य में रहना सिखाता है रामकृष्ण गुरु। पट खुलेंगे, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम नाम रसिया श्री हनुमान, अवध सरयू अति अभिराम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, बोलिए राधा माधव सरकार की जय, गुरुदेव भगवान की जय। तो कल्याण सिंह जी ने सत्संग सुना, जीवन परिवर्तित हुआ, तो उनके घर वाले जो थे, उनकी जो पत्नी थी, बड़ा चिढ़ गई इस बात से कि भैया ये भक्त क्यों बन गए, अब मेरे सारे जो ख्वाब थे वो कौन पूरा करेगा, तो भक्त बन गए। तो उनके मन में कई विचार आए, तो उन्होंने सोचा इन्हें भक्ति के मार्ग से डिगाना चाहिए, ऐसा करती हूँ कि जहाँ इनकी श्रद्धा है उस पर चोट करती हूँ। तो श्री गदाधर भट्ट जी की कथा में उनकी श्रद्धा बनी थी, तो उन्होंने सोचा गदाधर भट्ट जी पे इल्ज़ाम लगवा दिया जाए। तो एक नाचने वाले को बुलाया और उससे कहा कि तुम ऐसे ऐसे जाओ और उन पर इल्ज़ाम लगाओ कि मेरी कोख में आपका बालक है। तो ऐसा उन्होंने सत्संग के मध्य जाकर कह दिया। अब उन्हें ये था हरिशरण गुरु कि गदाधर भट्ट जी क्या करेंगे कि इसका प्रतिकार करेंगे, बात को काटेंगे, बल्कि हुआ ऐसा, इसका उल्टा।
उन्होंने कहा आओ, मैं तो आपका इंतजार ही कर रहा था, मैं तो सोच रहा था तुम्हारी देख रेख करेगा कौन, आओ बैठो। अब वो इस बात से चौंक गई कि ऐसा कैसे हो गया। तो भैया अब ऐसा हुआ तो जो पीछे जो अधकचरे साधक थे जो कभी कभार आते थे तो उन्होंने उठकर चल दिए। कहने लगे जब महाराज जी ऐसी हरकत कर रहे हैं, जो सत्संग बोल रहे हैं, तो हमारे ऊपर क्या असर पड़ेगा जीवन इनके सत्संग का। तो उन्होंने बातें बनानी शुरू कर दी, थोड़े मीडियम में बैठते थे। तो उन्होंने कहा यार महाराज जी पता नहीं क्या बात है, कुछ ऐसी चर्चा चली आपस में। आगे बैठे थे एक महंत श्री राधिका वल्लभ दास जी, हट्टे कट्टे थे, 7 फीट के थे, उनकी प्रगाढ़ श्रद्धा थी। तो उन्होंने जैसे ही उस नाचने वाले को देखा तो उन्होंने कहा कि खड़े हो गए, एक लठ मंगवाया ताकि लठ लेके आओ, और उन माता जी को कोने में ले गए। कहने लगे तुम खुद बताओगी सच या मैं इस लठ के सहारे उगलवाऊंगा। तो उन्होंने कहा क्या सच है भैया, लठ देना जरा इतनी देर। हाँ हाँ बताती हूँ। वो पहलवान थे अच्छे खासे, और उन्हें लग गया कि अगर एक भी मार दिया तो प्राण निकल जाएंगे। तो उन्होंने कहा जी ऐसे ऐसे ये जो कल्याण सिंह जी बैठे हैं, इनकी जो पुत्री है, नहीं पुत्री नहीं पत्नी है, इन्होंने मेरे को ऐसे ऐसे कुछ मुद्राएं दी हैं और इन्होंने इल्ज़ाम लगाने के लिए बोला। इतनी बात राधिका वल्लभ दास जी ने जाके महाराज जी को बताई, और महाराज कल्याण सिंह जी भी वहीं बैठे थे। ओ भाई, कल्याण सिंह जी को आया गुस्सा, उन्होंने तलवार खींच ली, कह रहे आज इसका गला यहीं उतारूंगा। वो भी सुनी रही थी, पीछे देख रही थी, आज इसका गला यहीं उतारूंगा। और इतना कहकर तलवार बाहर निकाली तो तुरंत गदाधर भट्ट जी ने टोक दिया। उन्होंने कहा कल्याण सिंह सत्संग का असर नहीं हुआ बच्चा, सत्संग तू सुन रहा है या तेरी पत्नी सुन रही है। कहने लगे महाराज मैं सुन रहा हूँ। कह रहे हो तो तेरी तलवार बाहर नहीं आनी चाहिए थी, उसने सत्संग नहीं सुना है, गलती उसकी है ये भी मैं मानता हूँ, लेकिन तुझे क्रोध नहीं आना चाहिए था, समझा देंगे हम आराम से। तो उन्होंने कहा ठीक है महाराज। तब जीवन परिवर्तित हुआ महाराज। एक ऐसे ही थे काका वामन गोस्वामी जी, वो कलकत्ते में भागवत किया करते थे, उनकी कथा में रोज एक अजगर आके कथा सुनता था। अजगर कथा सुनता आकर के रोज आ जाता, बैठ जाता, कथा सुनता, परिक्रमा लगाता, कथा सुनता निरंतर। अब पूरी 7 दिन की कथा हुई तो 7वें दिन उस अजगर ने महाराज जी से बात करी। महाराज जी ने कहा कि आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा जी मैं ऐसे ऐसे पिछले जन्म में फलाने फलाने व्यक्ति का उनका पुत्र हूँ, भक्त थे उनके माता पिता। तो उन्होंने कहा कि मैं जब बालक था तो मेरे माता पिता मुझे सत्संग कीर्तन में लेके आना चाहते थे और मैं आता नहीं था, मैं जिद कर लेता था मैं नहीं जाऊंगा कीर्तन में, मैं नहीं सुनूंगा सत्संग। तो वो जिद करते पर मैं मानता नहीं था, उस बात ना मानने के कारण आज मुझे अजगर बनना पड़ा। अजगर बना और अब कथा सुन रहा हूँ, अब कथा सुन रहा हूँ। तो मेरे को लगा ये कथा सुन करके, मैंने कहा यार अजगर बने इससे पहले कथा सुन लें, भगवान की वार्ता सुन लें। अब हम अपने विनीत भैया से कुछ लाभ लेंगे, ठीक है। 2 मिनट हो गए भैया, 20 मिनट हो गए, मेरा तो हीटर गर्म रहता है। नहीं भैया आज आपसे सुनेंगे, उसके बाद भैया आ जाएंगे, कुछ भी भैया कुछ भी, ठाकुर जी की कोई बात। चलो एक प्रश्न दे देता हूँ, उसका उत्तर दे देता। क्या हमें भगवान की प्राप्ति के लिए निष्पाप होने की आवश्यकता है? इस विषय पे कुछ बताइए। फिर भी कोई नहीं, फिर वैसे भी माइक है वो नहीं है, वीडियो नहीं है, वीडियो नहीं है, जूम मीटिंग, जूम मीटिंग हटा दो।
हरी बोल। इतने विनीत भैया बोले श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम। बस 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 थोड़ा सा एक नहीं हो गया, रुक गया, दो मिनट करते करते 20 मिनट निकलवा दिया। हरिशरण पूज्य भैया श्री के चरण कमलों में प्रणाम, पूज्य दादा के चरण कमलों में प्रणाम, प्रिय प्रियतम के चरण कमलों में प्रणाम, आप सबको प्रणाम। सी राम मैं सब जग जानू, करूं प्रणाम जोरी जुग बानू। मेरी तरफ से विदुर भैया कुछ कहना चाहेंगे? नहीं नहीं आप ही बोलो। हरि बोल। हरि शरणम। पूज्य भैया श्री कहा करते हैं अनुभव के बिना कहना असत कथन है, तो आप लोग तो नित्य नवीन लीलाओं का रसपान करते हैं, पूज्य श्री के अतिशय कृपा पात्र हैं। गीता वाटिका से एक दिन पूज्य भैया के साथ अयोध्या जी जाने का हुआ, वहाँ पर एक चौपाई लिखी हुई थी, बहुत प्रसिद्ध है, आपने भी सुनी होगी, अति प्रिय मोहि यहाँ के वासी। और चौपाई जब मैंने पढ़ी तो मैं सोचने लगा आप सब वही हैं पूज्य भैया के लिए अतिशय प्रिय, बहुत कृपा है आप पर, बहुत कृपा है। अंगद जी जैसे रथी महारथी अतिरथी इनका सत्संग आप सुनते हैं, और मेरे जैसा पैदल सिपाही वहाँ किसी गिनती में नहीं है। देखिए जीवन की दीप शिखा प्रतिक्षण क्षीण हो रही है, हर नया क्षण जीवन को कहीं और ले जा रहा है। यद्यपि ये सब आपके लिए नहीं है, परंतु फिर भी असावधानी साधक की वर्तमान में मृत्यु है, ये ध्यान देने वाली बात है। असावधानी साधक के लिए वर्तमान में मृत्यु है। मनुष्य ये सोचता है कि मेरी आयु बड़ी है, बड़ी है माने कल से मैं और बड़ा हो गया, परंतु काल ये सोचता है कि इसकी आयु कम हुई है, परंतु वास्तव में काल की समझ सच्ची है और हमारी कच्ची है। इसलिए इस टिमटिमाते दिए की लो के बुझने से पहले पहले अपने को अपना काम बना लेना चाहिए। देखिए ये निश्चित है कि हम लोग उस पार मिलेंगे, परंतु अगर इस जीवन में वर्तमान में ही उस रस का आस्वादन किया जाए
तो क्या हानि की बात है क्या, और लाभ की बात है। उसके लिए हम लोग वाटिका में थे तो प्रहलाद जी ने एक दिन कहा, जान की बाजी लगा के काम कर लेना चाहिए। बड़ी अच्छी लगी बात है। मैं सोचता हूँ कि कैसा भाव है, कितनी बढ़िया बात है। अंगद भैया ने अभी पूज्य श्री भाई जी महाराज जी के सत्संग से हमें लाभान्वित किया, और उसमें सारा नाम पर ही कितना विशेष भाव मिला। बात भरोसे की है, वास्तव में अपने लोगों में आपकी बात नहीं, अपनी बात कर रहा हूँ। इस तरह का विश्वास नहीं है, वैसा अगाध विश्वास जैसा होना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले मैं ऋषिकेश में था, वहाँ पर मैं संध्या के लिए गंगा जी के तट पर गया, तो वहाँ एक दुबले पतले से ब्राह्मण बैठे हुए थे। तो ऐसे ही भगवती गंगा से वो बातचीत कर रहे थे कुछ, मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैं पीछे बैठ गया। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा तो वार्तालाप हुआ, तो मैंने पूछा, मैंने कहा आप क्या कर रहे थे? तो बोले कि मैं भगवान से बात कर रहा हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो मैंने कहा क्या बात की आपने? तो हंसे, बोले कुछ नहीं। फिर बोले अपने जीवन के बारे में वो बताने लगे। उन्होंने एक जीवन की अपनी घटना बताई, बड़ी प्रेरक घटना। बोले कि मैं बहुत गरीब परिवार का हूँ, और हमारी माता जी ने हम 3-4 बच्चों को पाला, पिताजी बहुत जल्दी चले गए थे। तो बोले कि महाराज जी के पास आया करते थे माता जी, तो हम भी साथ में आते थे, परम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज जी। तो बोले एक बार कुछ ऐसी घटना हुई कि जीवन बदल गया। तो मैंने कहा ऐसा क्या हुआ? बोले 1985 में 84-85 में मेरा ब्याह हो गया, और एक वर्ष बाद मुझे एक पुत्र हुआ। तो मैं तब महाराज जी के पास आया, स्वामी जी महाराज जी के पास आया, और मैंने कहा महाराज जी दरिद्रता बहुत है, और ऊपर से संतान हो गई है, बड़ा कष्ट है, क्या करें? तो महाराज जी ने कहा मेरे पास पैसे पड़े हैं, मैं कोई व्यापारी हूँ, जाओ गंगा जी से बोलो। बोले उन्होंने किस भाव से कहा सो तो हम नहीं जानते, परंतु महाराज जी ने ये कहा जाओ गंगा जी से कहो। तो बोले हम महाराज जी को प्रणाम करके गंगा जी के पास आए। हमने कहा कि माँ हम तो नहीं जानते, लेकिन स्वामी जी ने कहा है तो हम आपके पास कहने आ गए। तो बोले कि जैसे मैं यहाँ से गया और मुझे एक दवा की कंपनी में मेरी जॉब लग गई, और जॉब भी ऐसी लगी कि मुझे रहने के लिए एक घर दिया गया और एक गाड़ी दी गई। बोले कि तब मन में इतना उसका चढ़ गया माया का प्रभाव कि ड्राइवर दरवाज़ा खोलता था तो मैं बैठता था, और वो खोलता था तो मैं उतरता था। बोले फिर हम स्वामी जी के पास आए ही नहीं। बहुत समय बीत गया, 5-7 साल हो गए, व्यस्त हो गया मैं बड़ा। और फिर एक दिन महाराज जी के पास आया, तो जैसे मैंने आके प्रणाम किया तो स्वामी जी ने मुझे देखा और बोले क्यों मौज मार रहे हो? बोले हम बोले कुछ नहीं, बोले नहीं, बस प्रणाम ही किया। तो स्वामी जी ने कहा क्यों मौज मार रहे हो? फिर अगले क्षण स्वामी जी गंभीर हो गए और बोले कितनी देर, ऐसा बोल के स्वामी जी चुप हो गए। और उसके बाद बोले हमने प्रणाम किया, हम आ गए। बोले हमारा लड़का और 4-5 साल में 15-16 साल का हो गया, पढ़ने में बड़ा तेज था, और एक दिन उसके मन में आया कि श्री बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए मैं जाऊंगा। तो उसने उनसे कहा, तो मैंने कहा भैया तुम चले जाओ। तो बोले वो
जिस ट्रेन में गया उससे दरवाजे में खड़ा था, गिर गया, क्या हुआ, किसी ने धक्का दिया, वो गिरा, शरीर शांत हो गया। बोले हम बहुत रोए, बहुत विद्वान था, बहुत आज्ञाकारी था, बहुत सुंदर था। बोले फिर हम स्वामी जी के पास गए, स्वामी जी ने ढाढ़स बंधाया, है ना। बोले हमारी धर्मपत्नी पर इसका बड़ा प्रभाव पड़ा, उसके मन में एक विशेष वैराग्य हो गया। बोले हमारा एक और पुत्र भी था, एक और पुत्री भी थी, लेकिन उसका मन सबसे हटने लगा और वो बस निरंतर श्री रामचरितमानस जी पढ़ती रहती बस। और फिर उसकी ऐसी स्थिति हो गई कि उसने घर कहा कि हम घर नहीं रहेंगे, हम ऋषिकेश ही रहेंगे। तो बोले फिर हम ऋषिकेश आ गए, यहीं रहने लगे। लड़के का ब्याह हो गया, लड़की का ब्याह अभी पक्का नहीं हुआ था, तो उनकी जो धर्मपत्नी थी उनका भी देहांत हो गया। तो बोले कि उस समय यहाँ एक संत रहते थे, आपने सुना होगा नाम, मनमोहन जी। तो बोले उन्होंने आकर के अर्थी को कंधा लगाया और उन्होंने कहा, फिर स्वामी जी ने कहा कि वो ठीक जगह चली गई, तुमसे बहुत आगे निकल गई। तो बोले तब हमारे दिल को भी बहुत चोट लगी और हमने सोचा भी हम भी अब ऋषिकेश से जाएंगे नहीं, यहीं भजन करेंगे, और हम यहीं भजन करने लगे। बोले तब हमारे छोटे भाइयों ने हमारी पुत्री का रिश्ता किसी अच्छे घर में कर दिया और हमें सूचना दे दी कि ब्याह श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम धुन लागी श्री राम धुन लागी। धन्यवाद धन्यवाद, आपने किया तो मेरा साहस हो गया। सुने राम से राजा न राम से त्यागी, राम से राम से त्यागी, राम धुन लागी श्री राम धुन लागी, सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम सीता राम हनुमान सीता राम हनुमान सीता राम सीता राम